हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन लैब। तो हम लैब में अमोनिया गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो उसको प्रिपेयर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को हम कौन सी स्टेट में लेते हैं? ड्राई स्टेट में लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड हम लेते हैं 2 पार्ट्स और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं 3 पार्ट्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा क्यों लेते हैं इज़ अ क्वेश्चन। तो द रीज़न इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि अगर हमने अमोनियम क्लोराइड ज़्यादा ले लिया तो अमोनियम क्लोराइड इज़ अ सबलाइम सॉलिड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड सबलाइम सॉलिड है, मतलब ये सॉलिड है और जैसे ही हम हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनियम क्लोराइड वेपर्स। और हमको यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग यहाँ पे अमोनिया गैस और हमको मिलेगा क्या? अमोनियम क्लोराइड वेपर्स। ओके, सो व्हाट डू? वी टेक मोर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। ओके, राइट। नेक्स्ट, हम इसको ड्राई क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो फिर ये पार्टिसिपेट करेगा मॉइस्चर रिएक्शन में। ठीक है, ओके। थर्ड, हम क्या करते हैं इसको राउंड बॉटम फ्लास्क में जेंटली हीट करते हैं। अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा? अगेन अमोनियम क्लोराइड सबलाइम सॉलिड है तो सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड वेपर्स ही कलेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो राउंड बॉटम फ्लास्क में क्यों लेते हैं हम? द रीज़न इज राउंड बॉटम फ्लास्क में लेने से क्या होता है? इक्वल हीटिंग मिलती है। सो इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क हमको इक्वल हीटिंग मिलती है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम सॉलिड लेते हैं इन ग्राउंड स्टेट, मतलब पाउडरी फॉर्म में लेते हैं। क्यों लेते हैं इसको ग्राउंड स्टेट में? द रीज़न इज उसका लार्ज सरफेस एरिया होगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों लिया? एल्केली में तो हम ले सकते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ वी कांट टेक दीज टू बिकॉज ये दोनों कैसे हैं? डेलीक्विसेंट है। डेलीक्विसेंट मतलब ये जो भी यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी उस एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके दे विल चेंज इन टू सेचुरेटेड सोल्यूशन स्टेट। ओके, इसलिए हम इन दोनों को यूज़ नहीं करते हैं। व्हाट डू वी यूज़? वी यूज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और रिएक्शन क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड कंबाइन करेगा। सो 2 chlorine and 1 calcium विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। और अमोनिया गैस में से अमोनिया गैस अगर हम निकाल दें NH4 में से तो क्या बचेगा? 1H। तो यहाँ 2 अमोनियम है तो कितने बचेंगे? 2H एंड 2OH मिलके बनाएंगे वाटर। ठीक है, तो हमारे को क्या मिलेगा? 2 molecules ऑफ अमोनिया गैस, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको? टू अवॉइड क्रैकिंग, अगर हम स्ट्रेट रखते तो क्या होता? क्रैकिंग के चांसेस थे क्योंकि ड्राई हीटिंग हो जाती, तो हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं सो दैट हीट हो रहा है और साथ ही साथ ही हमारी गैसेस नीचे पास होने। तो यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पास होगा वाटर, राइट, एंड अमोनिया। ओके, नाउ डिलीवरी ट्यूब से इस चेंबर में आएंगे, यहाँ पे क्या है? वाटर है और अमोनिया है। नाउ सिंस हीट करेंगे तो कुछ तो वाटर जो होगा वो कूल होने की वजह से यहीं रुक जाएगा, सम वाटर इन वेपर फॉर्म ऊपर चला जाएगा, राइट। नाउ जैसे ही ऊपर जाएगा वहाँ पे उसको क्या मिलेगा? क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ ड्राइंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जितना भी वाटर है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और सिर्फ ड्राई अमोनिया गैस ही ऊपर जाएगा, राइट। सिंस इट इज़ अ गैस विद लो वेपर डेंसिटी सो दिस विल राइज अप और ये ऊपर जाके कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ जो एयर होगी एयर नीचे आ जाएगी। सो सारी की सारी अमोनिया ऊपर आ जाएगी। सो दिस इज कलेक्शन बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्या हुआ? एयर को उसने डाउनवर्ड नीचे की तरफ पुश कर दिया और ऊपर क्या मिल गया आपको? ड्राई अमोनिया गैस। ओके, नाउ द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड दैट व्हाई वी यूज ड्राइंग एजेंट क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, हम कुछ और क्यों नहीं लेते? व्हाई कैन वी यूज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? वी कैन नॉट यूज बिकॉज दिस इज एसिडिक इन नेचर एंड अमोनिया इज अ बेसिक गैस, तो ये रिएक्ट कर जाएंगे।
so we cannot use any other drying agent, we use quick lime as drying agent because ये भी basic है और ammonia gas भी basic है. अगर हम P2O5 ले लें या sulfuric acid ले लें तो ये react कर जाएगा. Is this clear? So this is the method by which we prepare ammonia gas in Hula. Okay, during this diagram I have taken from Goel Brothers Prakashan book. Okay, this book is very interesting और इसमें बहुत कुछ बहुत अच्छे easy concept में दिया है. So it is new approach to ICSE chemistry. Easy है, आपको समझने में भी आसान रहेगा, आप पढ़ कर देखिएगा एंड आई थिंक फिर आपको केमिस्ट्री में डर नहीं लगेगा. ओके, थैंक यू.